सब्सक्राइब टू वॉच ट्रू स्टोरीज। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि इस वक्त में जब कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के चलते लोग अपने घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं और जगह जगह पर पुलिस की तैनाती है, क्या कोई लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की चोरी को अंजाम दे सकता है? इस ट्रू स्टोरी में आप देखेंगे कैसे लॉकडाउन का फायदा उठाकर 7 लोगों ने मुंबई के अंधेरी ईस्ट में कर डाली 7 करोड़ रुपए की लूट, लेकिन MIDC पुलिस ने महज चंद दिनों में ही कैसे इन चोरों को ना ही सिर्फ जेल पहुंचाया बल्कि लगभग 80% की लूट इनसे जब्त भी कर ली। दरअसल 24 अप्रैल को पुलिस को जानकारी मिली कि अंधेरी ईस्ट के महाकाली केव्स रोड पर स्थित एक ज्वेलरी बनाने के कारखाने में चोरी हुई है। मौके पर पहुंचकर जब पुलिस ने घटना की जांच शुरू की तो कारखाने की छत में कई छेद भी मिले, जिससे साफ हो गया कि चोर छत के जरिए कारखाने में दाखिल हुए और लॉकडाउन के चलते कारखाने में किसी के ना मौजूद होने का फ़ायदा उठाकर लूट के का सामान लेकर चलते बने। आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से और कुछ टेक्निकल सपोर्ट से पुलिस को चोरों के कुछ अहम सुराग मिले, जिसके बाद पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी विपुल छांबरिया, जो कि एक NGO चलाता था और लॉकडाउन के समय में लोगों को खाने पीने का सामान पहुंचाने में समाज सेवा कर रहा था, उस तक जा पहुंची। पूछताछ में पुलिस को इस मामले की कड़ियां जुड़ती नज़र आईं और पुलिस ने विपुल को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसके बाद इस चोरी में शामिल और भी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपियों से करीब 5.5 करोड़ के सोना, चांदी और हीरे भी बरामद कर लिए गए और इस तरह से MIDC पुलिस को इस चोरी की घटना को सुलझाने में कामयाबी मिली।